ये वीडियो उनके लिए है जिनके फ़ोन भी मुझे आ रहे हैं कि कोई गलती हो गई है फॉर्म फिलिंग में। तो फॉर्म फिलिंग में गलती मेजर वो है जो गलती एलिजिबिलिटी या कैटेगरी आपकी जो मेरिट लिस्ट बननी है उसकी डिवीज़न में जो प्रॉब्लम आएगी, आपकी एलिजिबिलिटी की अगर गलत इन्फॉर्मेशन है वो मेजर मिस्टेक है। इसके अलावा कोई और भी मिस्टेक्स हैं जो माइनर हैं लेकिन आपकी टेंशन पूरी है कि क्या हमें रोल नंबर मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये बात मैं कह दूं इस वीडियो में कि आपकी गलती इनमें अगर हुई है, वेदर यू हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पंजाबी, अगर क्योंकि पंजाबी कंसिडर्ड है कि एलिजिबिलिटी में पंजाब में है, पंजाबी अपने पढ़ी होनी चाहिए, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो ये बड़ी मिस्टेक है। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हो, आपने नहीं हो यस किया है, ये भी बड़ी मिस्टेक है। वेदर यू आर विडो डिवोर्सी, क्योंकि इनको रिलैक्सेशन है मार्क्स में, ओके, तो ये भी बड़ी मिस्टेक है। कैटेगरी आपकी चेंज होती है, एक्स मिलिट्री पर्सन और एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन अपर एज एज पर कंडीशन, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो ये भी आपने केयरफुली फिल करना है। वेदर यू आर वर्किंग पार्ट टाइम, ये बहुत जनों से गलती हुई है जो प्राइवेट में टीच कर रहे हैं या एडेड कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं, उन्होंने कईयों ने फिल कर दिया है यस, लेकिन ये सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस वालों के लिए जो 5 मार्क्स मिलने हैं उनको, उनकी कैटेगरी है। अगर आपने यहाँ यस किया है तो आप उन कैटेगरी में चले जाओगे, तो ये भी मेजर मिस्टेक गिनी जाएगी। ठीक, डेट ऑफ बर्थ, इससे एज कैलकुलेट होनी है, पर्टिकुलरली जिनकी एज पर है वो एक दो महीने में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल बनते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी 30 से कम ही हैं एज की, उनके लिए है नहीं। कई लोग ये पूछ रहे हैं हमारे एक दो दिन की मिस्टेक्स है, उसको माइनर में लीजिए, ठीक, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त वो इतनी हो जाएगी। पर मैं सभी का लास्ट में एक छोटा सा सोल्यूशन बताऊंगा, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, वो करना ज़रूरी है। अच्छा, मैरिड अनमैरिड, ये आर यू एवर ओके, ये एलिजिबिलिटी, ये नहीं, ये नहीं, ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि और कोई इन्फॉर्मेशन है जो, हाँ, अगर आपने ये जो कह रहे हैं कि मैंने जी ऑल सब्जेक्ट कहीं ने लिख दिया है या सब्जेक्ट फुल पूरे नहीं आए तो छोटे करके लिख दिए, ये कहा था, ये कोई मेजर गलती नहीं है। आपने बेशक छोटे छोटे करके लिख दिए हैं, बेशक पूरे सब्जेक्ट नहीं आ सके, मेजर सब्जेक्ट आपने लिख दिए हैं, यहाँ कोई ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऑल सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना चाहिए था, ये थोड़ा इमेच्योर लगता है, तो ये वाली गलती हुई है। इसके अलावा आपके जो मार्क्स में अगर गलती हुई है ये मेजर है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी, ये कोई टाई करता है, बिल्कुल मैच कर जाता है मेरिट पर, तो नेचुरली फर्दर क्राइटेरिया कोई रखा जाएगा कि हायर मेरिट पर, फॉर एग्जांपल दो शख्स हैं उनके 60-60 मार्क्स आ गए सिलेक्शन टेस्ट में, तो वो क्या करेंगे, नेचुरली वो जहाँ उठाएंगे कि आपके जो मास्टर डिग्री है जिसके बेस पर आप एलिजिबल हो, हायर स्कोर किसका है, हाँ, जहाँ देख सकते हैं एज देख सकते हैं, ये नॉर्मली 3 क्राइटेरिया होते हैं, हायर एज वाला मार्क्स वाला होता है, हायर एज वाला हो जाता है, हायर क्वालिफिकेशन वाला हो सकता है, ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वही होता है कि आपके मार्क्स कौन से मास्टर डिग्री में जिसके ज़्यादा है उनको हायर माना जाता है, तो ये बात हो गई। अच्छा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पास्ट रेगुलर ऑफलाइन भरा है, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए कि इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिनकी एमफिल वगैरह है, जो पीएचडी है, दो बातें याद रखना, एमफिल और पीएचडी वाले जो हैं, अगर वो 5 कंडीशन है जिसमें रेगुलर मोड लिखा हुआ है, वहाँ रेगुलर मोड लिखा है, मैंने खैर में 2, 4, 5, 7 वीडियो मैंने इसी पर बार बार रिपीट करके इवन डिफरेंट वीडियो भी बनाई है, तो फिर आपके लिए रेगुलर या वो डिस्टेंस लिखना यहाँ मीनिंगफुल बन जाता है, ये वहाँ उनके लिए ये मेजर मिस्टेक है अगर पीएचडी और एमफिल वालों ने की है। ठीक, अगर यूजीसी नेट क्लियर है फिर आपके लिए ये मेजर मिस्टेक नहीं बनती। तो अच्छा, ग्रेड ये वाली हो गई, ये मिस्टेक्स, नेट
ये ठीक है, कहीं के दो नेट हैं, मैं कौन सा फिल करूं? देखिए, एक सजेशन ये दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ अगर इक्वल मेरिट बनती है हो सकता है नेट के मार्क्स ना ले लें, वैसे नहीं लेंगे, तो आप हायर नेट वाला फिल कर दो, जिसके जिसमें स्कोर अगर है, तो मुझे नहीं पता सभी के स्कोर हैं या नहीं, मेरे ख्याल में ये क्राइटेरिया नहीं उठाया जाएगा, इसकी भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है कि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये पर्टिकुलरली उनके लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑलरेडी पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल, और ये जो तीसरी कैटेगरी है पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड ये कौन सी थी भूल गया, गेस्ट फैकल्टी, ओके, तो उनके लिए है। तो आप अपना एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वेरीफाइड है वो वाली आप जो एक्सपीरियंस डेट फिल कीजिए, अगर उससे ज़्यादा फिल करते हैं फिर हाँ ये गलती है। ठीक, तो ये गलतियां हैं, इन ये आपकी गलती मेजर है या माइनर है। आप अच्छा, एक और कैटेगरी की बात जो कह रहे थे कि कैटेगरी की हमारे हमने कई एक जनरल फीमेल या जनरल में फिल करना है, ये देखिए आ भी चुका है, अपडेट नया दिया है, क्लैरिफिकेशन, इफ़ कैंडिडेट अप्लाई इन एनी रिजर्व कैटेगरी ही और शी विल बी कंसिडर्ड इन ओपन और जनरल कैटेगरी इफ़ हायर इन मेरिट। ये वो सब कैटेगरी और सब कैटेगरी वाली वीडियो थी, उसमें एग्जांपल देके ऑलरेडी आपको समझाया गया था। अब ये डायरेक्शन भी उन डीपीआई की तरफ से, रिक्रूटिंग एजेंसी की तरफ से आ चुकी है। इसके अलावा मैं जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए ये सुजेशन, वो सभी के लिए जिनके पास माइनर या मेजर गलती हुई है, एक ये देख लीजिए, एक मिनट, ये मेरे ख्याल में कहाँ गया, इधर होगा। हाँ, यहाँ होगा कि जिनसे हाँ ये गलती हुई है, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर गलती होती है आपको फ्रेश फॉर्म और फ्रेश आपकी नई फीस लगेगी, ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन साथ में एक बात थी जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जब नया फॉर्म फिल कर रहे हो, कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन द कैंडिडेट मस्ट मेंशन द डिटेल ऑफ एरोनस एप्लीकेशन फॉर्म इन द अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ द फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस लाइन के लिए ये वीडियो बनाई है। तो उन्होंने डिटेल मांगी है, डिटेल के लिए कॉलम कोई नहीं उन्होंने दिया, बेशक ये उनके पार्ट पर है थोड़ी कमी कि कॉलम हमें मिला नहीं है। तो आप क्या कीजिए, ये है ये जो आपको हायर एजुकेशन PB रिक्रूटमेंट एट gmail.com पर अपनी माइनर मिस्टेक है या मेजर मिस्टेक है, काइंडली यहाँ पर इनको रिपोर्ट कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए। इन्फॉर्म करते वक्त अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर चेंज हुआ है तब भी, अगर नहीं हुआ तब भी, इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका नाम आ गया, आपकी कैटेगरी और आपकी जो पोस्ट है, कॉमर्स के लिए है, हिस्ट्री के लिए है, जिसके भी लिए है, ये मेजर इन्फॉर्मेशन जो जो आपको लगती है उसकी डिस्क्रिप्शन देते हुए, रजिस्ट्रेशन नंबर देते हुए आप ये बता दीजिए कि इस कॉलम में मेरे से ये इन्फॉर्मेशन मेरी राइट है, करेक्ट है, और इसकी जगह पर बाय मिस्टेक मुझसे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये ईमेल उनको कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया है और आपके पार्ट पे फेवर में जा रहा है। मैं ऐसे आपको गाइड करता हूँ कि मान लीजिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, तो कोर्ट में जाना पड़ता है तो हर हालत में आपके ही फेवर में सब कुछ हो, वो इसलिए है कि आप टाइमली इन्फॉर्म कर। गलतियाँ बहुत हुई हैं, बड़े फ़ोन आए हैं, छोटी बड़ी वो मैं बता चुका हूँ, जैसी जैसी हुई हैं, बेशक छोटी गलती थी बेशक बड़ी गलती थी, तो आप मतलब इस मेल एड्रेस पर उनको रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई टेंशन हो आप बात कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि थोड़े दिन है, उसके बाद तो पता नहीं हमारा रिश्ता कैसा रहना है, आप पर निर्भर करेगा। हाँ, मैं अपलोड करने लगा हूँ वीडियो उस पर के MCQ को, जनरल जो है वैसे UGC नेट का उस पर टाइटल होगा, तो एक MCQ इंडिविजुअल को से डील कैसे करना है, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं उनका कैसे ध्यान रखना है, दूसरे वीडियो होंगे कि टोटल अप्रोच जब आपने MCQ क्वेश्चन करना है तो कैसे
किस अप्रोच से प्रोसीड कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है। और इंटेलेक्चुअल गेस पर होगी वीडियो, रैंडम गेस पर होगी वीडियो, और डूज एंड डू नॉट, क्या आपने करना है एग्ज़ाम से पहले, क्या नहीं करना है एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम से पहले भी। अगर वो वीडियो आपको ठीक तो आप देख सकते हो। थैंक यू।